Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk a hole in one. Bible on the dash, stay with the holy one. So hey guys, welcome back to my channel. My name is Pranav. And you know where Pranav is? So Pranav has come. The making of Harry Potter Warner Brothers Studios. So let's get started. I know I put in work, they didn't notice none. Switch gears, clubhouse, took me 6 years, marble floors, gold trim, feel like I'm Richie Rich, Italian left. Just enter the Warner Brothers studio and अंदर घुसते ही आपको दिखेगा सामने digital tour. भाई लोगों ने तो proper वो dress होती है ना पूरे उनके वो houses की वैसी dresses पहन के घूम रखे हैं. This looks crazy. You can see the flying letters, the postcards जो fly करके आते थे movie के उसमें तो that is also there. Big claws, take a risk. We play for the win. Might spend a mill at the rug store like Manafort. यहाँ से मुझे अब जाना है वहाँ पे टोर एंट्रेंस में जहाँ पे हैरी पॉटर, हर्माइनी ग्रेंजर, रॉन वीज़ली खड़े हुए हैं. So I just need to go there and वहाँ से मेरा टोर शुरू होगा. Making purchases you can't afford. I move the money like it's illegal. Something more of rigor mortis where I move dead people late. There's the cupboard जहाँ पे हैरी पॉटर सोया करता था फिल्म के अंदर. तो वो स्टेयरकेस के नीचे उसका घर. Took L's, know how those days go. Say so, he say, but nothing ain't no pesos. Deals locked, it's like a case closed. Bankroll, different league, we don't use money phones. Trusting the artists. So this gives me an amazing feeling क्योंकि अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे ये सारे हैरी पॉटर का कास्ट पूरा खाना खाते थे. तो दैट्स द सीन. तो उन्होंने बताया कि ये सेम टेबल, सेम बेंचेस, सेम यूटेंसिल्स जो भी थे यही सारे मूवी में भी यूज करे गए थे. सो दीज आर द सेम थिंग. एवरीथिंग इज रियल. रियल एज इन की मूवी में भी यही सारी चीज़ें यूज़ करी थी. तो उनका यहाँ पे कोई ये नहीं कि डुप्लीकेट बना रखा है. नो दीज वर द थिंग. क्या पता हैरी पॉटर यहीं पे बैठा होकर खाना खा रहा होगा हरमाइनी के साथ. वी नेवर नो. एंड मी अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे सो दैट्स द स्टेयरकेस जहाँ पे वो सारी पेंटिंग्स लगी होती थी, द टॉकिंग पेंटिंग्स. तो उसमें तो सारी बातें कर रही होती थी. So this is the Gryffindor house जहाँ पे वो सोते थे रात को. So these are the real beds जो वहाँ पे उसने मूवी में यूज करे गए थे. जो वो वाला जो बेड है वहाँ पे वो है हैरी पॉटर का, क्योंकि वहाँ पे नीचे लिखा हुआ है HP हैरी पॉटर. The पोशन क्लास वाला उन्होंने बना रखा है यहाँ पे. वो पोशन क्लास में सारे पोशंस बना देते थे. तो वहाँ पे स्नेप है, स्नेप के पीछे उसके डायलॉग्स चल रहे हैं एंड वो ऑटोमेटिकली वो मैजिकली घूम रहा है वहाँ पे. On the earnest, you know I'm heading towards. Eyes on the Rolex, it's like a Chevy Ford. Driving on the road like I'm the only one. Shooting to the green, I talk only one. Babylon. ये पूरी वो नगीनी वाला scene था. तो नगीनी, go and eat. My lord, right away, my lord. Nagini, dinner. Didn't notice none. Clubhouse took me 6 years, marble floors, gold trim for like a Richie. मूवी में ग्लोइंग पेट्रोनस था जो कि वो डियर दिखाया था. गली ऐसा था जिसपे पूरी लाइट्स थी. तो अगर मैं यहाँ पे बस यू कर दो, क्लिक भी नहीं करना होता है नेट ब्लिंग्स अप. तो ये अच्छी चीज़ दिखाई कि यू डोंट नीड टू क्लिक दैट बटन, यू जस्ट नीड टू पुट योर हैंड ऑन इट. अब अपने आप होने लग जाएगा. और लेट्स गो इनसाइड दैट ट्रेन जो हैरी पॉटर की ट्रेन थी जो पूरी है. तो अंदर का पूरा टूर है. तो अंदर बैठ के देखेंगे कि कैसा लगता था हैरी पॉटर को जब वो बैठ के इसमें जाया करता था. एंड दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव. पता है बहुत अच्छे से बना रखा है पूरा. सो इफ़ यू कैन सी वहाँ पे वो पूरा ग्रीन स्क्रीन लगा रखा है. तो वो भी जैसे ट्रेन के जो शीशे थे शीशों पर ग्रीन स्क्रीन लगा रखा था टू शो द ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स. तो वहाँ पे वो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स वहाँ पर है. और यहाँ पे द रियल ट्रेन जो यूज हुई थी मूवी में वो है. रियल कंपार्टमेंट्स ऑफ द मूवी जो बनाए थे. कंपार्टमेंट बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है. एक बार भी एक बंदा अंदर से जा रहा है. बट लिटरली ये थे कंपार्टमेंट. यहाँ तो बहुत डार्क हो रखा है, इधर कुछ नहीं है. Let me show you now. अब तो मैं दिखाऊंगा द हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर. प्लस ये पूरी ट्रेन में इन्होंने ये बोला कि अब बार बार तो ट्रेन नहीं चेंज कर सकते. तो ये डिफरेंट कंपार्टमेंट्स है. तो 2005 का जो कंपार्टमेंट था वो ये वाला था. कि उस टाइम पे ऐसा था, पूरा कंपार्टमेंट बना रखा था. एंड लेटर हम आगे जाएंगे तो अब आएगा हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फिनिक्स. तो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स में कंपार्टमेंट चेंज करा उन्होंने दूसरा. तो यहाँ पे शूट करा था. तो बेसिकली एक एक कंपार्टमेंट में पूरी पूरी मूवी शूट करी है. पूरी मूवी एज की मूवी के वो दिखाया है. तो ये हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस में ये वाला कंपार्टमेंट यूज़ करा गया था। तो हर कंपार्टमेंट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट दिखाया है क्योंकि डिफरेंट मूवी है तो डिफरेंट कंपार्टमेंट दिखाना था। हैरी पॉटर हाफ ब्लड प्रिंस उसी का ही है, ये भी ये है डेथली हैलोस पार्ट 2। तो डेथली हैलोस पार्ट 2 तो अगर आप देखोगे बीच बीच में चेंज होते गए सारे। That's the last one. हम अंदर क्यों नहीं जा सकते यार, लॉक्ड है, अंदर नहीं जा सकते इसके। Half of the tour is done, अभी भी हाफ बाकी है, बट बीच में खाने पीने का स्टॉल आता है तो आप वो देखोगे। That's the night bus. The butter beer, तो हाँ मुझे यहाँ पे butter beer मिली है, it's my first time trying butter beer. देखते हैं कैसी होगी। It's like all huge and stuff. Let's see. Sick, quick laws, take a risk. We play for the win. Chips all on the. But your creamy texture, है ना? The creamy texture is really good. It's sweet or something. But no, I'm invested. Italian blazer come up. Amazing. The tour continues. तो अभी जिस एरिया में मैं हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो basically ये पूरा दिखाया गया वो जो creatures बनाए थे, जिसमें like creature like these जो banks में बैठा करते थे, और this mermaid वाला जो creature था, Hagrid's का जो था। तो ये सारा जो makeup artist वो सब लगते हैं, there was like a big team, और कैसे वो बनते हैं वो सब यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अगर आप वो देखोगे, that's the plant thing there, that's the book. Oh my God, अभी जो मैं देख रहा हूँ ना इस वक्त, गेस करके बताओ ये क्या है, ये वॉल से कौन सी जगह है। ये कर लिया गेस, नहीं करा तो आई एम राइट नाउ इन दी बैंक। पूरा बैंक बना रखा है उन्होंने, पूरी वॉल्स पूरा वो बना रखा है। एंड यू सी वहाँ पे आगे वो बैठा भी हुआ है वो बंदा बैंक में। एंड दैट्स द होल बैंक, पूरा प्यारा सा बना रखा है इन्होंने। कितना ज़्यादा हार्ड वर्क था भाई इस मूवी के पीछे बनाने में। दैट इज़ द बिहाइंड द सीन्स। और यहाँ पे अगर आप मूवी में देखते हो तो सारे वो बैंकर्स में यहाँ बैठे होते हैं, दे आर लाइक स्टैम्पिंग, वो स्टैम्प करते रहते हैं अपना। सो राइट नाउ मैं अभी अंदर हूँ बैंक के वॉल्ट में, और इस पे होता था, इस पे हैरी पॉटर बैठ के जाता था वॉल्ट में। इस वक्त मेरे पीछे अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में हमने अभी बैंक देखा था, लेकिन वो बैंक जो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये पूरा सीन है कि वो कैसा दिखता है, पूरा डिस्ट्रॉयड बैंक, हर चीज़ टूटी फूटी है, और वो यहाँ से वो फाड़ के ऊपर से निकल जाती है वो बर्ड। तो यहाँ की वो वाली सीन है, और अभी देखना वो बर्ड आने वाली है मेरे पीछे। आउटसाइड वाली स्ट्रीट है, उसका भी पूरा यहाँ पे रेप्लिका बना रखा है कि कैसे वो पूरी स्ट्रीट थी, और कैसे यार इवन जो यहाँ के स्टोन्स हैं प्रॉपर सेम मूवी वाले ही हैं। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ओके दैट वाज द प्लेस जहाँ पे हैरी पॉटर चल रहे थे ये लोग। और मेरे गोप्रो की बैटरी डाउन होने वाली है, लेकिन ये टूर अभी भी नहीं ख़त्म है, इट्स स्टिल गोइंग ऑन। एंड अब हम देखेंगे जो पूरा हॉगवर्ट्स है। मैं पूरा अंधेरे में आ रहा हूँ क्योंकि मेरे पीछे, आप लोगों के पीछे है पूरा हॉगवर्ट्स। दिस इज द एरिया जहाँ पे सारी वॉन्ड्स हैं, वो जो वॉन्ड शॉप वाला दिखा रखा है। Perhaps this. यहीं पे हैरी पॉटर आया था अपनी वॉन्ड लेने, और मैं भी अपना गोप्रो ऐसे वॉन्ड जैसे उठा के बात कर रहा हूँ। कितनी सिमिलैरिटीज हैं यारों में। I got Harry Potter is such a hype, और होनी भी चाहिए obviously because it's such a wonderful series of movies. लेकिन यहाँ पे जो मर्चेंडाइज है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही है। मतलब आई वॉन्ट टू बाई अ वॉन्ड, मेरा मन है एक वॉन्ड खरीदने का, बट एक वॉन्ड है यहाँ पे 32 पाउंड्स की, 32 पाउंड की एक वॉन्ड है। एंड आई एम लाइक मैं लूँ या ना लूँ, तो शायद मैं ना लूँ अभी क्योंकि 32 पाउंड्स में ज़्यादा लग रहा है, पर मेरा मन कर रहा है लेने का। सो आई एम बिट कंफ्यूज्ड। A few minutes later. You know what? एक ही लाइफ है यार, एक ही लाइफ है, खरीद रहा हूँ मैं, मुझे नहीं पता। कोई नहीं, फिर आ जाएंगे पैसे, अभी कमा रहे हैं ना और कमा लेंगे, बट लेकिन आज मन कर रहा है और मुझे आज में जीना है, तो एक बॉन्ड लूँगा। तो मैं एक बॉन्ड ज़रूर अभी लेने जा रहा हूँ। एंड लेट्स बाय इट, इट्स वन लाइफ भाई, इट्स जस्ट वन लाइफ। आई एम कंफ्यूज मुझे किसकी बॉन्ड लेनी चाहिए, दैट्स द क्वेश्चन। ये आगे देखता हूँ, सारे बॉन्ड्स के डिस्प्लेज लगे हैं। for it. Through every battle I was tested. It was really hard to choose a wand क्योंकि सारी ही wands बहुत ज़्यादा प्यारी है. All characters are beautiful in Harry Potter. तो मैंने वो wand लिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा creative सी लग रही थी और बहुत ज़्यादा अच्छे से made है. मतलब it's a very good made wand and you know it कि सबसे अच्छी made wand होती है Dumbledore की. So I'm taking the Dumbledore's wand with me today. तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर आते तो कौन सी wand लेते वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ. बी केयरफुल. सो फाइनली द टूर इज़ ओवर. हैरी पॉटर का टूर ख़त्म हो गया. मैं कितने बजे से था? मैं 3 बजे था. 6 बजे 3 घंटे का टूर गया मेरा पूरा. और मैंने अपनी वॉन ले लिया डम्बलडोर की हैरी पॉटर इज़ देयर. सो दैट वाज द होल टूर ऑफ वार्नर ब्रदर्स हैरी पॉटर स्टूडियो. तो अगर आपको इस वीडियो में जो चीज़ भी अच्छी लगी वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि दिस वॉज जस्ट अमेजिंग. क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा मूवी के अंदर ही हूँ कि भाई अगर बैंक है, बैंक रियल बना हुआ है, बैंक डिस्ट्रॉयड है तो वो है, मूवीज़ थी, ये था और सारा 3D इफेक्ट एंड एवरीथिंग जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इज समथिंग और दी अदर यूज्ड इन दी हैरी पॉटर मूवी. सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट द फेवरेट पार्ट ऑफ द व्लॉग. टिल देन मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो. पीस आउट.